राम चरण पंकज मन जासु। राम के चरण कैसे हैं? पंकज जैसे हैं। पंकज कौन होता है? पंकज किसे कहते हैं? कमल के फूल को पंकज कहते हैं। पुंडरीक पुष्कर कमल अब्ज जलज अम्बोज, पंकज वारिज कोकनद कुबले कंज सरोज। ये सब कमल के पर्यायवाची है। पंकज, पंख माने होता कीचड़, अज माने जो जन्म लिया कीचड़ में, तो कीचड़ में कमल ने जन्म लिया है, इसलिए उसका नाम पंकज है। जलज, जिसका जन्म जल में हुआ, जल से जन्म हुआ। ये हिंदी में पढ़ाया जाता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ बहुत शिक्षक बैठे, उनको सब पता है। पंकज माने कमल। राम के चरण कैसे हैं? कमल जैसे। और भरत का मन कैसे है? वो भौरा जैसे। जैसे भौरा कमल में लुब्ध हो जाता है, ऐसे भरत का मन भौरा राम के चरण कमल में लुब्ध है, इसलिए मैं भरत की प्रथम वंदना करता हूँ, क्योंकि भरत के अंदर केवल राम के चरणों में प्रेम है, इसलिए भरत वंदनीय है। भक्ति करना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधो पाईव तजैनतासु। प्रेम की कहानी है। आपके घर में प्रेम की जरूरत है, और प्रेम में वह ताकत होती है, प्रेम आपको त्याग सिखाता है। कितने पति लोग शराब पीते हैं, उनकी पत्नी बार बार कहती है शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, तो वे जवाब क्या देते हैं कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ पर शराब नहीं छोड़ सकता। अब ये देखो तमाशा, ऐसा लगता है शराब के साथ में ही विवाह किया। शराब का इतना सम्मान और पत्नी का इतना अपमान। पत्नी कोई अच्छी चीज़ छोड़ने के लिए तो कह नहीं रही, शराब छोड़वा रही है। आप कहते हो हम तुमको छोड़ देंगे, शराब नहीं छोड़ पाएंगे। और फिर मजे की बात, किसी कारणवश जेल चले गए तो वहाँ शराब भी छोड़ दिया। जेल में 5 साल बिना शराब पी रह लेते हो, तो वहाँ क्यों छोड़ा? हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, वहाँ शराब छोड़ दिया। रोज पीते थे, वहाँ 3 महीने से नहीं पिया, टांग टूटी पड़ी है, टांग ऊपर खींची हुई है, और बिना शराब। जब हॉस्पिटल में बिना शराब के तुम रह लेते हो, जेल में बिना शराब के रह लेते हो, तो कृपया अपने माँ बाप के प्रेम में, भाई बहन के प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, बिना शराब के अपने घर में भी जिंदगी जी सकते हो। मत पीना शराब, नशा हो खराब, झन पीहू शराब, छत्तीसगढ़ी कहावत। प्रेम त्याग सिखाता है, परस्पर प्रेम की गंगा बहाना। आपका जीवन सुखी होगा। कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और प्रेम एक ऐसी चीज है, कितना ही प्रेम करो कम नहीं होता है, जितना प्रेम करो उतना बढ़ता जाता है। और जिससे तुम प्रेम करते हो उसका भी मन खुश होता जाता है। आप किसी से प्रेम से बोल कर देखो, किसी के पास प्रेम से बैठ कर देखो, किसी को प्रेम की नज़रों से देखो, वो कितना खुश होता है। नज़र में भी प्रेम होता है। ये मनुष्य की दृष्टि विभिन्न प्रकार की होती है, वासना की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, श्रद्धा की दृष्टि, गुस्सा की दृष्टि। गुस्सा में तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, जब प्रेम से तुम भरे हो तो फिर आंखों का
सिस्टम बदलता है। आंखों से झलकता है कि तुम गुस्सा में हो कि प्रेम में हो, तुम दुख में हो कि सुख में हो, तुम चिंता में हो कि प्रसन्नता में हो। आंखें भी रिपोर्ट देती हैं। इसलिए जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, आंखों के ऊपर काला चश्मा लगा लेते हैं ताकि कोई आंख देखकर जान ना पाए मैं किस स्थिति में हूँ। आंख छिपाते, और आंख छिपा लोगे तो आपका चेहरा सब दिखाएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। आपका चेहरा पूरी अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है, उस पर भी सब झलक आता है। कुछ लोग चेहरा भी छिपा लेते हैं क्योंकि मनुष्य बड़ा खिलाड़ी है, अंदर कुछ और है, चेहरे पर अलग कुछ झलक आता है, छिपा लिया चेहरा, वास्तविक प्रकट नहीं किया। लेकिन चेहरा छिपा लोगे तो आपकी वाणी में प्रकट हो जाएगा अंदर का भाव। कभी कभी लोग वाणी भी चापलूसी की बोल देते हैं, उसमें भी तुम नहीं जान पाओगे, तो तुम्हारे कार्यों से प्रकट हो जाएगा। वहां तुम छिपा ना सकोगे, जब तुम उसके प्रति कार्य करोगे वहां से प्रकट हो जाएगा। तुम उसके लिए नाश्ता भी लाओगे तो एक प्लेट कम ले आओगे। फिर अगर नाराज हो, नमकीन है, मीठा है, फल है, ड्राई फ्रूट है, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट नहीं रखोगे, एक प्लेट कम कर दोगे। वहाँ से पता चल जाएगा कि मामला गड़बड़ है, कार्य में झलक जाएगा, या दोबारा उसको परोसने ही नहीं आओगे। अभी एक नरनारी ऐसे मिले मुझे मध्य प्रदेश में, तो उनका जो पति था वो मन संचालक भी है और टीचर भी है, लेक्चरर भी है, और उनकी पत्नी तो गृहमंत्री है, घर संभालती है, लेकिन बड़ी चतुर है वो भी। तो उनकी पत्नी कह रही थी, 4 महीने से बोले ही नहीं है लेक्चरर जी, भले मंच पर खूब लेक्चर देते हैं, स्कूल में लेक्चर देते हैं, घर में बिल्कुल चुप, बोलते नहीं हमसे। तो मैंने कहा, मामला क्या है? तो मामला क्या है? गुस्सा गुस्सा। बोले, भोजन के समय थाली उठाकर फेंक देते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, भोजन परोस देती हूँ और चुपचाप दूसरे काम में चली जाती हूँ। तब तो वे खा लेते हैं प्रेम से, मैं सामने होती हूँ उनका दिमाग भड़कता। तो हमने कहा, आप ये भी गौर करो, आपके अंदर कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी गलत बात है, कुछ न कुछ है जिससे उनका मन तुमसे व्यथित है। तो ये बात जब मैंने कहा तो उस स्त्री का मुंह सिकुड़ गया, वो समझ गई कि गुरुदेव ने कहाँ जाकर सूक्ष्म इंजेक्शन लगा दिया। तो मैंने कहा, माता जी, आप अपना आत्मावलोकन कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी आदत, आपका स्वभाव, आपकी बोली कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके पति जी भड़कते हैं। मैंने कहा, वो बहुत समझदार आदमी है, फिर क्या बात है? बोले, समझदार हैं, बच्चों से प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करें, केवल हमसे उनको एलर्जी बहुत है। अब इस एलर्जी का भी इलाज है। किसी को एलर्जी हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ये मानसिक एलर्जी, इसका भी इलाज है। आप इस बात का गौर करो, किस हमारी बात से वो असंतुष्ट होते हैं, किस व्यवहार से असंतुष्ट होते हैं और किस मेरी आदत से संतुष्ट होते हैं, उसको आप चेंज कर लो, उनकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। आदमी जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, वो किसी को भी अपने प्रति खुश करने की ताकत रखता है। स्वयं को बदल देना, ये सबसे बड़ी तपस्या होती है। लेकिन मनुष्य का जीवन हैबिचुअल है, आदतों में बंधा हुआ है, पूरी जिंदगी आपकी आदत के जाल में फंसी हुई। आपका शरीर भी आदत पकड़ता है, आपकी इंद्रियां भी आदत पकड़ती है, आपकी वाणी भी आदत पकड़ती है, आपका स्वभाव भी आदत पकड़ चुका है, आपका खान पान भी आदत पकड़ा है। अब ये जो लोग शराब पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इससे कोई सेहत थोड़े बनती है, लेकिन आदत हो गई। कोई पान तम्बाकू खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अब बहुत बड़ी बात है,
क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके ये सब चीज़ों ने आदत का रूप लिया है। अब अगर वो नहीं खाते हैं तो अंदर से मांग होती है। जो कोमल गद्दे पर सोता है तो शरीर ने आदत पकड़ लिया, कोमल गद्दे पर ही उसको नींद आएगी। अब यदि कठोर बिस्तर पर सुला दोगे तो उसे नींद नहीं आएगी। जो तकिया लगाकर सोता है तो बिना तकिया के सो नहीं पाएगा, और जो बिना तकिया के सोता तकिया लगा दोगे तो नहीं सो पाएगा। ये शरीर भी हैबिचुअल है, मन भी हैबिचुअल है, और वाणी भी हैबिचुअल है। जिसकी गाली देने की आदत पड़ गई, दूसरों की निंदा बुराई करने की आदत पड़ गई, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, तो बिना जरूरत बिना कारण भी गाली देगा, झूठ बोलेगा, भोजन को भी गाली देगा, साला साली भोजन को भी बोलेगा, अपनी गाड़ी को भी गाली बक देगा, घड़ी अगर टाइम गलत बताएगी उसको भी गाली देगा कि साली पीछे चल रही है, अरे तू वो साली है कि तू साला है, उसका टाइम ठीक नहीं करते, सेल नहीं डालते, सेल डाउन है। तो ऐसे वो गालियां देता रहेगा, ऐसी क्रोध करने की भी आदत बनती है। आप अगर गौर नहीं करो तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बिगड़ती है, इसलिए जीवन में बहुत गौर करना पड़ता। कितने लोगों के क्रोध के कारण पूरा घर तबाह है, एक आदमी की गुस्सा पूरे घर को बेहाल कर देती है, लोगों का सांस लेना मुश्किल, जीना मुश्किल। एक सज्जन के घर में मैं गया तो उनके बेटों ने कहा हम अपने पिताजी से बहुत हैरान। हमने कहा पिताजी क्या बीमार रहते हैं? बोले बीमार नहीं, हमको बीमार कर देते हैं। तो है क्या बात? बोले खूब गांजा पीते हैं और गुस्सा इतनी करते हैं, अब बाप है नहीं तो मारपीट हो जाती गुरुदेव। बहुत गुस्सा आती है और गांजा पीते हैं, और सर्विस में हैं इतने बेशरम हैं बैठकर गली गली में गांजा पी लेते हैं। याद रखना आपकी मान मर्यादा भी कुछ है। ऐसा वैसा खाना पीना अगर करते हो उसकी आदत को छोड़ो, ऐसी वैसी उल्टी पलटी बातों करने की आदतों को बदलो, प्रपंच करने की भी आदत छोड़ो। इसलिए संत कबीर ने एक भजन बहुत अच्छा गाया है, बलवान सिंह गाओ, गाइए मेरे साथ। मन की तरंग मारे लो, बोलो सब लोग, घर में सुख आएगा। मन की तरंग मारे लो, बस हो गया भजन। आप लोग भी गाइए, बहुत सरल है। मन की तरंग मारे लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, वाह वाह, बस हो गया भजन। भाव से गाइए, हल्की हल्की ताली बजा कर गाइए, हाथ जोड़ कर गाइए, ऐसे ताली बजाओ। मन की तरंग मारे लो, वाह, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो मन की तरंग मारे लो, बहुत सुंदर हो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग
के मारे लो। मनुष्य के मन में समुद्र जैसी तरंगे उठती है, समुद्र में जैसे लहरें, कभी मन में तरंग उठती है शादी करूं घर बसा लूं, थोड़े दिन के बाद मन में तरंग उठती है संन्यास ले लूं साधु बन जाऊं झंझट खत्म हो जाए। अब ना तो शादी किया ना संन्यास लिया, केवल तरंग उठ रही है। फिर मन में तरंग उठी, अरे साधु बनने में भी बहुत नियम संयम है, ना साधु बनूंगा ना शादी करूंगा, बस ऐसे छुट्टा स्वतंत्र रहूंगा, ऐसी तरंग उठी। फिर मन में तरंग उठ गई कि अच्छी पढ़ाई करूंगा, नौकरी करूंगा, धन कमाऊंगा, धन कमाने की तरंग उठी। धन कमाया नहीं न पढ़ाई किया, खाली तरंग है। फिर तरंग उठी, किसी का अच्छा मकान देखा, बोले ऐसा मकान मैं भी बनाऊंगा, बनाया नहीं खाली तरंग है। फिर शहर गए, वहां देखा लोगों के मकान, बोले शहर में मकान बनाऊंगा, फिर तरंग उठ गई, शहर में भी बनाया नहीं खाली मन में तरंगे उठ रही। किसी की गाड़ी देखा तो मन में तरंग उठी, मैं भी गाड़ी लाऊंगा, देख देख कर तरंगे उठती हैं, सुन सुन कर तरंगे उठती हैं, और इन तरंगों में जो बह गया उसकी जिंदगी बहुत दुख में फंस जाती है। कृपया विवेक से कार्य करना, किसी को देख करके अपनी जिंदगी का निर्माण मत करो, अपनी औकात को समझो, अपने अनुभव को देखो, बुद्धि को देखो, आप क्या कर सकते हो। अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक फोन आया कि मैंने मीठा की दुकान खोला, 3 लाख का घाटा हो गया। तुमने कहा क्यों खोला, बोले सामने एक आदमी ने खोला था, उसकी अच्छी दुकान चलती थी इसलिए मैंने भी खोला। मैंने कहा मीठा की दुकान खोल सकते हो किसी की बराबरी में, लेकिन उसके बराबर की बुद्धि और स्वभाव और वाणी नहीं तुम्हारे पास में है, नेतृत्व करने की कला नहीं, मैनेजमेंट की कला नहीं है, तो आपकी दुकान बैठ सकती है। बोले 3 लाख डूब गया, अब क्या करूं। तो मैंने कहा ऐसी दुकान बहुत कलाकार लोगों को खोलना चाहिए, मीठा की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, क्योंकि ये चीज़ें 2 दिन न बिके 3रे दिन फेंकना पड़ता, सड़ जाती, खराब हो जाती है। अगर थोड़ा कम बुद्धि हो तो रेडीमेड की दुकान खोलो, किराना की दुकान खोलो, अगर 6 महीने सामान न बिके तो भी खराब होने वाला नहीं है, ऐसी दुकान खोलना चाहिए। तो बोले गुरुदेव आपसे सलाह ले लेते तो घाटा नहीं होता। मैंने कहा मैं कोई दुकान का सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता दिया, थोड़ा सा थोड़ा कम नॉलेज हो तो ऐसी दुकान खोलो, धीरे धीरे सामान बिके तो भी नुकसान ना हो। मन की तरंगों में जियोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कभी मन में तरंग आती है घर वालों से बहुत प्रेम करूं, फिर दूसरी तरंग आती है घर छोड़कर भाग जाऊं, फिर तीसरी तरंग आती है घर वालों से क्षमा मांग लूं, चौथी तरंग आती है घर वालों के साथ बैठकर रो लूं, इतना प्रेम उमड़ता है, फिर तरंग आती है घर वालों पर गुस्सा की तरंग कि सबको डांट डपट दो। तरंगों की जिंदगी दुखद होती है, विवेक की जिंदगी सुखद होती है। सत्संग के माध्यम से विवेक पैदा करो, कृपया तरंगों में न बहा करो। कभी फैशन की तरंग आती है, आदमी कितना फैशन करता है, टेलर भी हार खा गए कि हद हो गई, और टेलर खुश भी हो गए कि वाह आदमी बड़ा मूर्ख है, इधर उधर काट पीट के कपड़ा सिलते रहो, पैसे कमाते रहो। फैशन की तरंग, कभी कभी सादगी की तरंग आती है कि सादा जीवन जिएंगे, मध्यम जीवन जियो। कभी कभी मन में होता है भोजन खाना बंद कर देंगे, ऐसी तरंग आ गई।
कभी कभी तरंग आती है, जितने प्रकार का भोजन होता सभी भोग लगाऊंगा, 56 प्रकार का भोग। वो तरंग आ गई, कभी मन में इच्छा होती है चटाई बिछाकर सो जाऊंगा, कभी मन में तरंग आती वाह क्या डबल बेड होना चाहिए। ये तरंगों में मत बहो, जो जरूरत है वास्तव में उसके अनुसार अपनी जिंदगी का निर्माण करो। अपने घर में गम खाकर रहो, प्रेम को बिगड़ने मत दो। जोश जिस समय आ गया हो उस समय मौन रहो। जोश में बोले गए शब्द आपके रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, जोश में उठाया गया कदम आपके संबंधों को तोड़ देते हैं, और जोश में कही हुई बात आपके प्रेमियों के दिल पर घाव कर जाती है, और जोश में निकले हुए शब्द अगले को घायल कर जाते हैं, और जोश में किया हुआ कार्य आपके भविष्य को बिगाड़ देता है। इसलिए कहते हैं जिस समय जोश मन में आ जाए उस समय मौन साध लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, हाथ मुंह धोकर पानी पीकर सो जाना चाहिए, क्योंकि जोश थोड़ी देर के लिए आता है पर आपके सारे विस्तार को तहस नहस कर जाता है। होश में जीने वालों को पछताना नहीं पड़ता है, और जोश में कदम उठाने वालों को पश्चाताप की ज्वाला में जलना पड़ता है। याद रखना, चाहे राजनीतिक फील्ड हो, चाहे बिजनेस की फील्ड हो, चाहे फैमिली लाइन हो, और चाहे कोई भी आपकी लाइन हो, जहां जोश आ गया आपका बहुत बड़ा नुकसान करके, जोश तो उतर जाएगा, जोश चला जाएगा, लेकिन जो नुकसान हो गया वो कैसे भरपाई होगा। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन मिलने के लिए आए तो कह रहे थे कि जोश में जितने मित्र थे वो सब हमारे शत्रु बन चुके। मेरे बाप ने भी कह दिया कि तुम अलग रहो, भाई ने कह दिया तुम अलग रहो, मेरी वाइफ कह दी कि अलग ही ठीक रहेगा, अब मैं अकेला पड़ रहा हूं। जोश खरोश, ये गुस्सा बहुत नुकसान करती है। लक्ष्मण से सीखो, जब तक राम का आदेश नहीं होता था तब तक लक्ष्मण जोश में नहीं आते थे। लोग कहते लक्ष्मण थोड़ा गरम दिमाग के थे, मैं कहता हूँ गरम वरम कुछ नहीं थे, लक्ष्मण जैसी बटन दबाते थे राम जी वैसा दिमाग बनाते थे। 3 दिन राम समुद्र किनारे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं समुद्र से कि ठंडे हो जाओ, रास्ता दे दो, समुद्र नहीं माना। तो राम ने लक्ष्मण को इशारा दिया कि लक्ष्मण भय बिन होई न प्रीति। लक्ष्मण भी वहीं खड़े हैं लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा नहीं आ रही, नाराज नहीं हो रहे हैं, वो देख रहे हैं भगवान का जब इशारा हो तभी अपना मैं जोश लाऊंगा, ऐसे नहीं। बिने न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। राम कहते हैं भय के बिना प्रेम नहीं हो सकता, अब लक्ष्मण कुछ करो। तुरंत लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लक्ष्मण बाण सरा सन आनु, और एक ही बार में धड़ाधड़ सैकड़ों बाण मार दिए, अग्नि बाण छोड़ दिया, समुद्र में आग लग गई। सोखं वारि दिवि शिखर सानु, समुद्र सूखने लगा, कनक थार भरि तज गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर सोने की थाल में आरती सजा कर आ गया, क्षमा मांगने लगा और राम की पूजा करने लगा। लक्ष्मण राम के इशारे से जोश में आते थे, और याद रखना कहाँ कितना जोश दिखाना है, कहाँ कितना होश में रहना है, इस बात का आपको तौल होना चाहिए। अगर बिना तौल के आप, जैसे महिलाएं सब्जी में नमक डालती ना तो उनका एक आइडिया होता कितना डालना है, ऐसे थोड़े 4 किलो सब्जी में 1 किलो नमक डाल दे तो पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। कहाँ कितना मात्रा में जोश रखना है, कहाँ कितनी मात्रा में चुप रहना है, कहाँ मौन रहना है, कहाँ कितना बोलना है, और कहाँ गम खाना है,
कहाँ डपटना है, ये सब आपके पास में विवेक होना चाहिए, तौल होना चाहिए, कला होना चाहिए कि कहाँ पर कितना क्या कैसे कब व्यवहार हम करें, तब आपको सफलता भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी और आपके संबंध भी मधुर बने रहेंगे और आपकी उन्नति भी होती रहेगी। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। वाह वाह गाइए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो जोर से बस हो गया भजन, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, सर संभार लो बस हो गया भजन, वाणी कसर संभार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज प्रेम का ही प्रसंग हमने लिया था और प्रेम की शक्ति को पहचानो, प्रेमवा माँ भूले भगवान हो शिवरी के घर माँ, प्रेम में इंसान तो क्या भगवान भी बंध जाता है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य को ठीक से प्रेम हो जाए, प्रेम आनंद से भर देता है और जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां तुम ज्यादा सामान को महत्व नहीं देते हो, सुविधा को भी महत्व नहीं देते हो। सियाराम ध्यान दो, सिलवानी गोविंद साहू गौर से सुनना, प्रेम केवल प्रेम को महत्व देता है और प्रेम के मार्ग में जो कष्ट होता है वो हंसते हंसते कष्ट सह लिया जाता है। मैंने सुना है पति पत्नी दोनों रात में सो रहे थे, प्रेम की बात, दस बजे रात, ठंडी की रात, प्रेम की बात, पति पत्नी सो रहे, नींद आ गई और किसी ने दरवाजा खटखटाया है। दस बजे रात को वही आएगा जो आपसे विशेष प्रेम मानता हो,